इसी मस्जिद के अंदर मैं आपको दिखा सकूँ तो हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ है। आइए उनके बारे में चंद मालूमात आपको बताता हूँ। और आप अलैहिस्सलाम जिस कुएं से पानी पीते थे वो कुआं भी आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। जिस तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहक शहीद किया गया, इसी तरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। दोनों की एक बात आपस में मिलती है, ये जो कुआं आपने देखा, आप अलैहिस्सलाम यहाँ से पानी पिया करते और आपके कबीले वाले भी यहीं से पानी पीते। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहले कूफा जो भी बर्तन उठाते वहाँ से खून निकलता। हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी यही हुआ। इस कुएं से पानी की जगह खून निकला और कई साल तक यही काम जारी रहा। फिर अल्लाह ने अहले इलाका पर रहम फरमाया और खून को फिर पानी में तब्दील किया गया। यह जामिया मस्जिद उमवी के बिल्कुल अंदर आपका मज़ार शरीफ है। पहले मज़ार शरीफ बाहर हुआ करता। जब मस्जिद की तौसी हुई तो आप अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ मस्जिद के अंदर सहन में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इस नबी के सदके हम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक बार इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसी मकाम के बिल्कुल सामने हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का भी मकाम है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी।